उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की चल रही परीक्षा का पेपर आउट हो गया, जिसके बाद बलिया प्रशासन ने सारा दोष पत्रकारों पर डालकर जेल भेज दिया। बलिया जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों को जेल भेजने के मामले में कानपुर प्रेस क्लब के नेतृत्व में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़े चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन की शुरुआत कानपुर प्रेस क्लब से पैदल मार्च से हुई। विरोध रैली में पत्रकारों ने बलिया जिलाधिकारी और एसएसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने बताया कि पत्रकारों के हित को ध्यान में रखते हुए इस घटना की निंदा की जा रही है। साथ ही सरकार से ये मांग की गई है कि निर्दोष पत्रकारों को जेल से रिहा किया जाए, साथ ही दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए, पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने बताया कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक दर्जन से ज्यादा फर्जी मामले पत्रकारों पर लगाए गए हैं। बिना टाल मटोली के ये मामले जल्द खत्म किए जाएं। देखिए, बलिया में हमारे निर्दोष साथी जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी जिलाधिकारी और एसपी को दी थी, उनको ही अपराधी बनाकर जेल भेजने का काम डीएम बलिया एसपी बलिया ने किया है, जो अत्यंत निंदनीय है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जिसको हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि इसी सेम स्थिति में कानपुर में अभी हाल के दिनों में लगभग 5 से 6 थानों में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उस सब मामले फर्जी थे, सिर्फ सूरत भर पुलिस ने अपने खुन्नस निकालने के लिए मुकदमे दर्ज किए गए। हमने आज माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र के माध्यम से अपना ज्ञापन दिया है। यहाँ पर एसीपी और एसीएम की मौजूदगी में उनसे कहा है कि हमारी मांग ये है कि सारे मामलों की जांच सीबीआई से या किसी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी से करवा ली जाए। अगर पत्रकार दोषी नहीं तो उसका सम्मान लौटाया जाए, उसको सम्मानित किया जाए, और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ तत्काल सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और उन सभी अधिकारियों की संपत्ति की भी विजिलेंस जांच कराई जाए। अगर इसके बाद भी हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारे पत्रकारों पर हनन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज बंद नहीं हुए, तो हम लोग 2 दिन बाद पुलिस कमिश्नर का बंगला घेरेंगे। उसके बाद अगर बात नहीं बनी तो विधानसभा अध्यक्ष जो कानपुर के रहने वाले हैं और इसी महाराजपुर सीट से विधानसभा अध्यक्ष और विधायक हैं, उनका बंगला घेरेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, मांगे नहीं मानी गई, तो हम माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल का बंगला लखनऊ में जाकर घेरेंगे। उसे गुरेज नहीं हम लोगों को कि पुलिस गाड़ी चलाए चाहे कुछ भी चला ले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews.